जुलाई मंथ में प्रिपरेशन क्या क्या करना है वो सारी चीजें बताऊंगा। सारे ऑनलाइन स्टूडेंट ध्यान से समझें। अब मैं आपको हर महीने के मंथली स्टार्टिंग में ये बताया करूंगा कि इस मंथ में क्लास में क्या क्या कवर होगा, किस तरह से पेपर्स आएंगे, कैसे सॉल्यूशंस मिलेंगे आपको, वो सारी चीज़ें जो जो आपने डाउट भेजे हैं वो सारे डिस्कशन करता हूँ। पर इसके पहले कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। नंबर वन, अभी जो सक्सेसफुल स्टूडेंट थे इस बार, उन सब के वीडियो सेशंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उन सभी सेशंस को बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि वो सेशंस कहीं ना कहीं आपको रिलेट करेंगे। आपने देखेंगे कि कुछ बच्चे फाइनल ईयर के साथ प्रिपरेशन कर रहे थे, कुछ ने फर्स्ट सेकंड ईयर से किया, कुछ ने ड्रॉप लिया, कुछ ने सेकंड ड्रॉप भी लिया। यानी हर तरह का स्टूडेंट है, दूर दूर से आए हुए, जीरो मैथ्स वाले स्टूडेंट भी आज टॉप कर रहे हैं, ऑनलाइन वाले बच्चे भी टॉप कर रहे हैं। आज इस बार ऑनलाइन वाले बच्चे त्रिची में भी गए हुए हैं। तो ये सब चीज़ें आपको कहीं ना कहीं, क्योंकि आप ऑनलाइन कोर्स से जुड़े हुए हैं, तो ये सेशन देखिएगा। ये जब सेशन खत्म हो जाएंगे तो फिर मैं आपको क्लास के उन स्टूडेंट के साथ भी मिलवाऊंगा जो कि बहुत दूर दूर से आए हुए हैं। कुछ बच्चे दिल्ली के हैं तो कुछ चेन्नई के हैं, बिहार के बच्चे हैं, कानपुर के बच्चे हैं, इंदौर के बच्चे हैं, ऐसी कोई जगह नहीं होगी शायद जहाँ से बच्चे नहीं हैं। हर स्टेट के बच्चे हैं, गुजरात के स्टूडेंट्स हैं, तो इनके भी साथ आपको एक्सपीरियंस शेयर करवाऊंगा। तो आप समझ पाएंगे क्योंकि आप लोग ऑनलाइन कोर्स से जुड़े हैं। और आप कई बार ये क्वेश्चन बोलते हैं, सर मैथ्स बहुत वीक है, समझ में नहीं आता क्या करें, नए बच्चे जुड़ते जा रहे हैं। तो मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि आप जरा इन बच्चों के जब सेशन सुनेंगे तो नॉर्मली क्या होता है कि एमसी एंट्रेंस वाले बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका मैथ्स बहुत अच्छा नहीं होता, एक बात। और कई बार ये भी होता है कि मैथ्स अच्छा होने के बाद भी ट्वेल्थ के बाद मैथ्स से हम टच में नहीं होते, छूट जाता है, या हो सकता है आपने इलेवंथ ट्वेल्थ में मैथ्स लिया ही ना हो। ये सारी परमुटेशंस कॉम्बिनेशन होते हैं, पर बीसीए के बाद या बीएससी कंप्यूटर साइंस के बाद एमसीए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, बहुत अच्छे प्लेसमेंट हो रहे हैं, बहुत लोगों को पता ही नहीं था। आप देखिए कि कम से कम ये एक चीज़ जो हुई कि लास्ट टू ईयर से जो ये सेशंस यूट्यूब पे मैंने डाले उससे अवेयरनेस कितनी बढ़ गई है वो आप देख रहे होंगे कि आज धीरे धीरे बच्चों को बताना नहीं पड़ता। आज हमारे साथ 20 और 21, 22 के स्टूडेंट जुड़ते जा रहे हैं, यानी ट्वेल्थ के बाद तुरंत। इवन कई बच्चे ऐसे भी हैं जो फर्स्ट ईयर से यहाँ पे बीसीए आके बीसीए के साथ साथ एमसीए का प्रिपरेशन भी कर रहे हैं। तो अवेयरनेस बढ़ने का बहुत फायदा है, एक नेशनल लेवल का एग्जाम है। सोचिए कि जो चीज़ आईआईटी के समय अगर आपका मैथ्स था, आईआईटी के प्रिपरेशन की थी, हो सकता नहीं हो पाया सिलेक्शन, आपके पास दूसरी एंट्री है एक जो निमसेट के थ्रू आप एनआईटीज में जा सकते हैं। आज आप त्रिची को देखें, वारंगल को देखें, त्रिची को देखें, सूरतकल को देखें, इलाहाबाद को देखें, कैलीकट को देखें, 30-35 लाख के हाईएस्ट प्लेसमेंट जा रहे हैं। तो इतना अच्छा करियर ऑप्शन था पर कई लोगों को पता नहीं था। तो आप धीरे धीरे अवेयरनेस बढ़ रही है और बढ़ना भी चाहिए, समय रहे, और इसीलिए आज बच्चे अलर्ट हो रहे हैं, समय रहते हुए पढ़ाई कर रहे हैं। तो मैं आप सबको कुछ चीज़ें, इसलिए मैं आपके साथ ये चीज़ें शेयर करता चलता हूँ कि जब आप इनको सुनेंगे तो कहीं ना कहीं आप अपने को रिलेट कर पाएंगे। तो आप बिल्कुल मत घबराइए, आप भले ही क्यों ना जीरो मैथ्स पे हो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे आप इस बार बहुत सारे ऐसे बच्चे भी क्लासरूम में आए जिनका ट्वेल्थ में मैथ्स नहीं था, इलेवंथ में नहीं था। दूसरा, इस बार का पेपर 18 का बहुत टफ था, तो उसके लिए हमने सॉल्यूशन ये निकाला कि हम उनको पीछे से ले जाएं। देखिए, पीछे से ले जाएं मतलब 9th-10th की मैथ्स अगर अच्छे से पढ़ा दी जाए, अगर मान लीजिए आपका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं था, यानी 11th-12th में मैथ्स नहीं लिया, तो कैसे मैथ्स डेवलप करें, उसका हमने तरीका निकाला कि हम 9th-10th की मैथ्स को पकड़ेंगे। जब हम पीछे से जाएंगे, क्योंकि आपने 10th तक मैथ्स पढ़ा, तो आप एकदम से फिर उसके बाद 11th पढ़ाएंगे, तो एक तरह से आपके लिए वैसे ही एक्सपीरियंस होगा जो 10th के बाद 11th में था। ये हमने किया, यही चीज़ हम ऑनलाइन वाले बच्चों को करेंगे। और सबसे अच्छी बात है कि क्लासरूम कोर्स के साथ साथ इम्पीटस गुरुकुल पूरी ये कोशिश करता है कि ऑनलाइन वाले बच्चों को भी वही ट्रीटमेंट मिल पाए जितना भी पॉसिबल हो सकता है। ऑब्वियसली जो जो पॉसिबल हो सकता है वो मैं करने की कोशिश करता हूँ कि आप भी वैसे ही सब एक्सपीरियंस फील करें जो ऑनलाइन वाले, क्योंकि आप सब नहीं आ पा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और एक और चीज़ बताना चाहूँगा, यहाँ पर कुछ बच्चों ने जैसे मुझे बताया, और वो भी पता नहीं कैसे, कि कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर इम्पीटस गुरुकुल का कोर्स हमें कोई दे रहा है कम में, या उसके पास कोर्स है, शरद सर का कोर्स लेना है या इम्पीटस गुरुकुल का। तो ऐसे में आप मिसगाइडेड मत हो, क्योंकि कुछ बच्चों ने ले लिया, बाद में उनको पता चला जो हमने यूट्यूब पे सैंपल वीडियो डाले हुए थे उन्हीं वीडियो को डाउनलोड करके आपको दे दिया, पर जब वो यहाँ से जुड़े, उन्होंने कोर्स लिया, तो जब उनको डिफरेंस समझ में आया, जैसे इस साल का हमने कोर्स को पूरा अपडेट अप कर दिया, इस बार जो आपके पास टेस्ट भी आया होगा उसमें एक लिंक आया होगा, उस लिंक को आप डाउनलोड रख लीजिएगा, सेव करके रखिएगा, अब जितना भी नया अपडेशन होगा वो सब उसमें ऐड होता जाएगा। अच्छा, एक और बात है कि निम सेट जो है वो कंडक्ट करता है एनआईटीज, और इसी को आईआईटी मेंस भी कंडक्ट करता है, यानी सेम एग्जाम होता है, इसीलिए सेम बॉडी होती है। मतलब आप समझिए, जो आईआईटी मेंस कंडक्ट कर रहा है वही निम सेट का एग्जाम कंडक्ट कर रहा है, इसलिए सिलेबस भी सेम होता है। अब इन्होंने इस बार क्या करा 18 में कि एडवांस लेवल तक के सिलेबस को दे दिया। अच्छा, इम्पीटस गुरुकुल में ऑलरेडी, क्योंकि तीन तरह के ऑनलाइन कोर्सेज थे, एक एनडीए, एक एमसीए और एक आईआईटी, तो अपडेट करने में बिल्कुल टाइम नहीं लगा, हमने इसको तीन पार्ट में अब डिवाइड कर दिया अपने कोर्स को। एक को
पहला कोर्स पहला है फाउंडेशन, फिर फाउंडेशन कोर्स, फिर है मेंस लेवल पे और फिर है एडवांस लेवल पे। यानी इस तरह से हमने कोर्स को अपडेट कर दिया। एक ही टॉपिक को आप तीन तरीके से पढ़ेंगे। आप तीन तरीके से पढ़ेंगे, मान लीजिए कि आप बाइनोमियल थ्योरम पढ़ रहे हैं तो पहले उसका फाउंडेशन पढ़िए पूरा अच्छे से, और इसके बाद आप आरडी शर्मा की सब्जेक्टिव बुक करिए, कुछ जो आपके डाउट थे पढ़ना कैसे है वो बता रहा हूँ। जब ये कंप्लीट हो जाए फिर आप कोई भी ऑब्जेक्टिव गाइड उठा लें या जो सेकंड फोल्डर है उसमें फिर से यही टॉपिक को पढ़िए, फिर इसी टॉपिक को एडवांस लेवल पे पढ़िए। यानी आप एक ही टॉपिक को जब तीन लेवल पे पढ़ेंगे तो अपने आप अच्छे अपने आप को डेवलप कर पाएंगे। अब जो बच्चे 21 और 22 के जुड़े हुए हैं, क्योंकि आप बहुत लोग इस बार 2021 के जुड़े हुए हैं, उन सबको बोलूंगा अभी आप केवल फाउंडेशन पे वर्क करिए, इसको आप बाद में करिए। पहले एक साल बहुत फोकस होके, बहुत ही फोकस होके करिए। देखिए जिसके पास आखिरी साल है उसके पास कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि उसको पढ़ना भी 12 घंटे होता है, आप 4 से 5 घंटे भी पढ़ेंगे तो चलेगा। वो आपसे ऑलरेडी जो 20 में एग्जाम देने वाला है वो आपसे 2 टाइम 3 टाइम ज़्यादा पढ़ रहा है, इसलिए वो कर पा रहा है। आपको इसके लिए पैनिक नहीं होना, आपको अपना ग्रेजुएशन पे भी ध्यान रखते हुए इसको पढ़ाई करनी है। तो एक ही टॉपिक को तीन लेवल पे करा जाएगा। फिर जब आपको संडे टेस्ट होगा, जो हमने इस बार एक चीज़ की है, संडे टेस्ट जो होगा इस पेपर का भी वीडियो सॉल्यूशन आपको मिलेगा, और वो उसी लिंक पे मिलेगा जो मैंने अभी आपको इस बार टेस्ट के साथ भेजा है, पर वो चलेगा उसी कंप्यूटर में जिसमें आप इस कोर्स को रन कर रहे हैं। तो आप आराम से इन पेपर्स को, यानी आप एक ही टॉपिक को कई कई बार पढ़ेंगे डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच से, तो अपने आप आपका कंसेप्ट डेवलप होगा। जब एक टॉपिक खत्म हो जाए फिर अगला टॉपिक, फिर अगला टॉपिक, एक प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से पढ़िए, और कहीं मिसगाइड मत होइए। इम्पीटस गुरुकुल के अलावा कहीं और, इम्पीटस गुरुकुल का डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया, वहीं आप कॉन्टेक्ट करें। फोन पे बात ना हो पाए, कई बार होता है आप मैसेज ड्रॉप कर दें, पर कहीं पे भी ध्यान रखिए बहुत ही फोकस होके पढ़ाई करनी है। कन्फ्यूजन हो, कुछ ऑनलाइन वाले बच्चों को कभी कभी कन्फ्यूजन होता है, तो इस बार मैंने वो ऑप्शन भी दिया कि वो 1 वीक के लिए भोपाल आके देख सकते हैं। क्योंकि जब आप यहाँ आते हो तो आप देखते हो, क्योंकि कुछ बच्चे आए भी, मैं आपके साथ उनका सेशन भी शेयर करूंगा, तो वही समझ पाते हैं कि आप क्या होता है, घर पे आप पढ़ लो आपको 3 घंटे पढ़ के भी लगता है बहुत पढ़ लिए, पर यहाँ 12 घंटे पढ़ के भी ऐसा लगता है बहुत नहीं पढ़ा, तो ये डिफरेंस होता है। तो ये एक डिफरेंस जरूर होता है कि ऑनलाइन कोर्स में डिसिप्लिन आपका है, क्लासरूम में क्योंकि हम लोग रहते हैं तो एक कहीं ना कहीं प्रेशर होता है, तो पर आप दूर रह के भी वो डिसिप्लिन अगर मेंटेन रखेंगे तो आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये बात ध्यान रखिए। इसके अलावा अब मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इस मंथ में हम पहले एलजेब्रा को फोकस कर रहे हैं, जिसमें पुराने बैच में सेट बाइनोमियल थ्योरम हो चुका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, अभी जो नया बैच है उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट हो रहा है, फिर होगा प्रोग्रेशन, फिर होगा डिटरमिनेंट मैट्रिसेस, लॉग एक्सपो। अभी इस मंथ को हम पूरी तरह से जुलाई मंथ को एलजेब्रा पे ही फोकस करेंगे। तो जो पुराने स्टूडेंट हैं अगर वो ये टॉपिक कर चुके हैं तो सीधे आप ऑब्जेक्टिव गाइड सॉल्व करें, और जो नए स्टूडेंट हैं वो लोग पहले सब्जेक्टिव बुक करें। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। देखिए आप कब जुड़ते हैं ये अलग अलग बात है, पर आपका प्रिपरेशन का तरीका बहुत क्लियर होना चाहिए कि जब तक सब्जेक्टिव बुक एक बार कंप्लीटली सॉल्व नहीं होगी ऑब्जेक्टिव पे मूव नहीं करेंगे। और ऑब्जेक्टिव में भी मैंने आपको 2 बुकों का सजेशन दिया, एक आरडी शर्मा ऑब्जेक्टिव, एक यूनिवर्सल सर स्कोरर। एनीवन जो आपको कंफर्टेबल लगे उसको कर सकते हैं, कोई नॉट नेसेसरी कि आप केवल यही करें, कोई भी एक बुक कर लें, पर जो भी करें उसको अच्छे से करें और उसके पहले सब्जेक्टिव बुक करें। इवन सब्जेक्टिव बुक अगर आप 4 टाइम अच्छे से कर लेंगे तो बिना ऑब्जेक्टिव के भी जो हम टेस्ट दे रहे हैं उसमें आपका परफॉर्मेंस आ जाएगा, ये ध्यान रखिए एक चीज। दूसरी चीज कि हमने आप में से कई लोगों ने पूछा था कि सर ये सीबीटी क्या है, मैंने मैडम को बोला था, मैडम के पास जब फोन आया था ऑफिस में तो मैंने बोला था कि मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि सीबीटी क्या है। सीबीटी है कंसेप्ट बिल्डिंग टेस्ट, इसमें हमने 8th to 10th level के मैथ्स को कवर किया है, यानी 8th class से 10th class के मैथ्स को कवर किया है। SCF, LCM, रेशियो प्रोपोर्शंस, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब इंक्रीजिंग असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर्स में नंबर्स को अरेंज करना है, बेसिक ऑफ लॉग, ये सब, जिससे कि आपका एक फाउंडेशन स्ट्रांग हो। दूसरा 9th 10th के जिस पोर्शन को हम अभी जुलाई में कवर करेंगे, जुलाई के लिए मैं बता रहा हूँ, उसमें हमने सबसे पहले वेटेज लिया है 10th की बुक का, उसमें टॉपिक्स आप जरूर पढ़िए। नंबर 1 पॉलिनोमियल, नंबर 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब देखिए यही टॉपिक 10th में, यही टॉपिक अभी हम लोग 11th पे लेके चल रहे हैं। अगर आपने 10th से पढ़ लिया तो आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। अब पढ़ना क्या है उसका भी मैं आपको वीडियो सेशन कुछ शेयर करूंगा, तो
तो पढ़ना क्या है, तो इस बुक को खोलिए, इसके पहले एग्जांपल्स करिए, देन एक्सरसाइज सॉल्व करिए। चाहे तो आप एनसीईआरटी ले लें, क्योंकि अगर आप 9th-10th की आरडी शर्मा लेंगे तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। आपको बेस बिल्ड करना है अपना, क्योंकि मुझसे कुछ बच्चों ने ये क्वेश्चन भी पूछा, मुझे मैडम ने भी बताया ऑफिस में कि सर बच्चे पूछते हैं बेसिक मतलब क्या। बेसिक मतलब ये कि 9th-10th की मैथ्स को करना, और उसमें भी क्या करना, ये भी एक क्वेश्चन था। तो इसमें अभी ज्योमेट्री वाले पार्ट पर नहीं जाना आपको, अभी आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेस पार्ट पर जाना है, देन मैचुरेशन, देन ट्रिग्नोमेट्री भी 9th-10th की करना है। यानी इस चीज़ को आप जब कवर करेंगे तो इसका एडवांटेज मिलेगा। तो हम लोग जुलाई के मंथ में जो भोपाल में करने वाले हैं, चाहे नए बच्चे हों चाहे पुराने, उनका पूरा एलजेब्रा पे वर्क कर रहे हैं, साथ में 9th-10th के एलजेब्रा पे वर्क कर रहे हैं। इसके अलावा कंसेप्ट बिल्डिंग टेस्ट के थ्रू बेसिक फाउंडेशन को कवर कर रहे हैं। तो ये कंसेप्ट बिल्डिंग टेस्ट आपको रेगुलर मिलेंगे, और इन टेस्ट का आप बेनिफिट लीजिए। और इन पेपर में जो पेपर, देखिए कुछ पेपर ऐसे होते हैं जिनके ऑलरेडी वीडियोस आपके पास हैं, इसलिए उनके आपको हो सकता है सॉल्यूशन ना दें, क्योंकि वो हैं आपके पास। मान लीजिए अब मैं बात करता हूँ, अब हमारी क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन चल रहा है, उसके ऑलरेडी हैं, उसको नए देने का कोई मतलब नहीं। पर जैसे सपोज अब 9th-10th का जो मैथ्स है, जो संडे टेस्ट पेपर होगा, सीबीटी पेपर के सॉल्यूशन, ये अब आपको रेगुलर बेसिस पे उसी लिंक पे अपडेट होते जाएंगे। आपको उसके लिए बिल्कुल परेशान नहीं होना, इवन फोन भी करने जरूरत नहीं, वो अपडेट होते जाएंगे। अभी तक क्योंकि यहाँ एकेडमी में सीनियर स्टूडेंट थे, अब उनका प्लेस सिलेक्शंस हो गया, वो जा रहे हैं, पुराने बच्चे आ रहे थे, अब वो सब, अभी नए बच्चे भी आए, उनसे भी मिलना होता है, अब वो सब धीरे धीरे सेट हो गया। तो अब आपको ये सारे सेशंस आपको मिलते जाएंगे, तो आप बहुत अच्छे से घर पर रह के पढ़ाई कर सकते हैं। जितने भी ऑनलाइन स्टूडेंट वाले, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे चीज़ें आपको मिलती जाएंगी। और चीज़ एक मैं बता दूँ कि यहाँ के पेपर इतने अच्छे हैं कि आप जब इन पेपर्स को सॉल्व करेंगे, आप देखेंगे कई सारे अलग अलग जगह पे भी यही पेपर्स मिलेंगे आपको। यानी यहाँ से पेपर्स लेके वो फिर बच्चे आपस में शेयर करते हैं। तो ये ध्यान रखिए कि ये बहुत क्वालिटी ऑफ पेपर्स हैं। इन पेपर्स को अगर आप अच्छे से सॉल्व करेंगे तो आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सेशंस आपको सारे मिलते रहेंगे। और पहले एक एक टॉपिक्स पे अच्छे से कमांड बनाइए, उसके बाद ही आगे बढ़िए। फिर भी कोई डाउट्स आएंगे आपको तो मैं फिर ये सेशंस लूँगा। और सीनियर स्टूडेंट के प्लेसमेंट वाले जो सिलेक्शन वाले वीडियो वो देखिए, फिर मैं आपको जूनियर जो यहाँ आपके साथ वाले बच्चों से भी मिलवाऊंगा, 20 और 21 वाले स्टूडेंट को सिंगल एक मैसेज दूंगा, अभी अपना फोकस केवल फाउंडेशन पे रखना है, यानी बेस बुक करना है। बीच वाले सेक्शन पे अभी ना जाएं तो बिल्कुल चलेगा। पहले आप आरडी शर्मा की सब्जेक्ट, बल्कि पहले 9th-10th पूरा सॉल्व करिए, देन 11th-12th की आरडी शर्मा करिए, भले आपके आगे के पेपर आ जाए। एक और चीज़ पूछी थी कि सर अभी हमारा जैसे सेट नहीं हुआ, सेट का पेपर आ गया या बाइनोमियल थ्योरम नहीं हुआ, आप उन पेपर को स्टॉप कर लो, उसको बाद में दो। दूसरा, यहाँ पर संडे को जब टेस्ट होता है तो उसी टाइम पे देने की कोशिश करें, क्योंकि आप ऑनलाइन वाले, आप आगे पीछे हो सकते हैं, पर कोशिश करिए कि संडे को जैसे सीबीटी है तो एक घंटे में ही देना है। बाइनोमियल थ्योरम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसका टेस्ट आया वन आएगा, 50 क्वेश्चंस के लिए आप एक घंटे से ज़्यादा समय ना लें। इसके अलावा यहाँ पर जो बच्चों की रैंक आएगी, उसमें मैं जो पहले बच्चों के कुछ नंबर्स भी आपके साथ शेयर करूंगा कि टॉप 10 में क्या स्कोर बच्चों ने स्कोर किया, उससे आप अपने आप को असेस कर पाएंगे। आप में से कुछ लोगों ने ये भी बोला था, तो अब धीरे धीरे हम चीज़ों को बढ़ाते चलेंगे। आपके पास जब टेस्ट पेपर्स आएंगे तो पुराने बच्चों के मैं आपको वो भी रिजल्ट भी आपको बताता हुआ चलूंगा। तो ये सारी चीज़ें हम धीरे धीरे ऐड करते चलेंगे। इस बार बहुत अपडेशंस, बहुत सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है। इवन आगे चल के आपको ऑनलाइन टेस्ट भी मिलेंगे, क्योंकि BHU का देखें, हम JNU का देखें, तो ऑनलाइन एग्जाम होते हैं। हो सकता है कहीं NIMCET का ऑनलाइन ना हो जाए, तो हम उसकी भी प्रिपरेशन रखेंगे। तो आपको अभी तो ऑफलाइन देना है, पर आगे चल के ऑनलाइन एग्जाम्स भी मिलेंगे, उसका इमीडिएटली रिजल्ट भी मिलेगा। तो सारी चीज़ें इस बार आपको गुरुकुल के साथ मिलेंगी, पर ये सब चीज़ें धीरे धीरे मिलती जाएंगी। इसलिए आप कहीं परेशान ना हो, अपनी पॉजिटिव माइंड से पढ़ाई करते रहें। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।